हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका न्यू टारगेट एकेडमी के आपके अपने चैनल में। मैं दीपक कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जो है वीडियो हम अपलोड करने जा रहे हैं, और कई वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। संविधान से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं में कई प्रश्न पूछे जाते हैं। आज ये वीडियो इंपॉर्टेंट नोट वाला दोस्तों, पुलिस, आर्मी, पटवारी, रेलवे, एसएससी व अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो बने रहिए वीडियो के साथ में, और एक एक क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। मैंने इस टाइप से नोट्स बनाए हैं दोस्तों, जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में बिल्कुल हेल्प करेंगे। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन के लिए कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग दो, भाग तीन, भाग चार या भाग पाँच? जल्दी बनाएं पहले का आंसर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या आंसर होगा इसका? वेरी गुड, जो विद्यार्थी भाग पाँच लगा रहे हैं, गुरु आंसर डी लगा रहे, वो बिल्कुल सही आंसर है। क्या आंसर होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या भारत का महाधिवक्ता? दो का आंसर्स, क्या होगा दो का आंसर्स? जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट्स बॉक्स में अपना आंसर जरूर लिखें। वेरी गुड, जो विद्यार्थी सी ऑप्शन लगा रहे वो बिल्कुल सही आंसर है, सर्वोच्च न्यायालय। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकार कौन है, अधिकारी कौन है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल, सर्वोच्च न्यायालय? तीन का आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? वेरी गुड, जो विद्यार्थी डी ऑप्शन लगा रहे वो बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलते हैं हम चौथे नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, चार्टर अधिनियम 1853, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय संविधान 1950? चार का आंसर्स, जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में सभी विद्यार्थी आंसर लिखेंगे। वेरी गुड, जो विद्यार्थी ए लगा रहे हैं, रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773, वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1950 के संसद के एक अधिनियम द्वारा, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधीन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन, भारतीय संविधान के द्वारा? भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। वेरी गुड, जो विद्यार्थी सी ऑप्शन लगा रहे, भारत सरकार अधिनियम 1935, वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था की थी? 6, 7, 9, 12? जल्दी बनाए 6 का आंसर। वेरी गुड, जो विद्यार्थी सात आंसर दे रहे, यानी बी ऑप्शन लगा रहे, वो बिल्कुल सही आंसर है 6 का। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अगर बात करें तो 7 होते हैं, और मुख्य न्यायाधीश सहित कितने होते हैं? 8 न्यायाधीश थे। कहां पर? मूल संविधान में। अभी वर्तमान में संख्या ज्यादा है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? तो 20, 22, 25 या 33? वेरी गुड, जो विद्यार्थी डी ऑप्शन लगा रहे हैं 33, वो बिल्कुल सही है। 31 से बढ़कर हो चुके हैं अब 34 मुख्य न्यायाधीश, और 33 अन्य न्यायाधीश है भाई, ये ध्यान रखिएगा। 31 आपको मिलेगा अभी बाय डाटा, वो गलत है, चेंज हो चुके हैं, वापस संशोधन करके वापस बढ़ा दिए गए हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या विधि मंत्रालय? 8 का आंसर्स। वेरी गुड, जो विद्यार्थी सी ऑप्शन लगा रहे हैं संसद, वो बिल्कुल सही आंसर है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की निम्न में से कौन सी अर्हता होनी चाहिए? वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, वह एक परंपरागत विधिवेत्ता हो, उपयुक्त में से कोई भी? जल्दी बताएं क्या आंसर होगा। 9 नंबर का क्वेश्चन से। वेरी गुड, यहां पर अगर बात करें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए जो योग्यता चाहिए वो तीनों ही सही है। वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में रहा हो, या 10 वर्ष तक उसने उच्च न्यायालय में क्या कराओ, अधिवक्ता यानी वकील का कार्य किया हो, वह एक परंपरागत विधिवेत्ता हो, यह भी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी ऑप्शंस, 9 का डी ऑप्शंस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति? जल्दी बताएं क्या आंसर होगा। 10 का आंसर।
उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो वेरी गुड, जो विद्यार्थी डी ऑप्शन लगा रहे वो बिल्कुल सही है, 10 का डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद? 11 का आंसर, वेरी गुड, 11 का आंसर होगा ए, राष्ट्रपति। भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। जल्दी बताएं, 12 का आंसर, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? वेरी गुड, जो विद्यार्थी सी ऑप्शन लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर है, सी यानी राष्ट्रपति के द्वारा कार्यवाहक राष्ट्रपति सॉरी न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, भारत के महान्यायालय न्यायवादी से, या चौथा ऑप्शन है भारत के विधि मंत्री से। 13 नंबर का क्वेश्चन, वेरी गुड, जो विद्यार्थी ए ऑप्शन लगा रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से वो बिल्कुल सही है। मेरी बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अगर अगर अपन व्यवस्था कर रहे हैं तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से पूछना जरूरी है, क्योंकि वो सारे उसके अंडर में काम करेंगे। तो ये 13 का आंसर हो जाएगा ए, यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका या फ्रांस? 14 का आंसर, वेरी गुड, जो विद्यार्थी डी ऑप्शन लगा रहे वो बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन फ्रांस से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जनपद एवं सत्र न्यायालय में, इनमें से सभी? 15 नंबर का क्वेश्चन, वेरी गुड, जो विद्यार्थी डी ऑप्शन लगा रहे वो बिल्कुल सही है, इनमें से सभी, यानी सर्वोच्च न्यायालय में भी में भी जो है तदर्थ न्यायाधीश आ सकते हैं, उच्च न्यायालय में भी आ सकते हैं, जनपद और सत्र न्यायालय में भी ऐसा हो सकता है। तो क्या हो गया, डी ऑप्शन, 15 का डी। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर का क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर चले जाते हैं, स्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता है, न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि होती है, न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम यानी गणपूर्ति नहीं होता है। 16 नंबर का क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, इसका आंसर होगा दोस्तों डी, जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम यानी गणपूर्ति नहीं हो पाती है तो तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श से राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, 17 नंबर का क्वेश्चन, क्या आंसर होगा 17 का? जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे, वेरी गुड, डी ऑप्शन, राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है नियुक्ति करता है, किसकी? सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना पड़ेगा? 20, 10, 8 या 25? 18 नंबर का क्वेश्चन, वेरी गुड, जो विद्यार्थी बी ऑप्शन लगा रहा है 10 वर्ष, वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं? पदधारी मतलब पद पर बने रहते हैं, 65 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष या 58 वर्ष? जल्दी बनाएं, उच्चतम यानी सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। 19 नंबर का क्वेश्चन, वेरी गुड, जो विद्यार्थी ए ऑप्शन लगा रहे हैं 65 वर्ष, वो बिल्कुल सही आंसर है, 65 वर्ष की आयु तक बनाया रह सकता है, और हाई कोर्ट जो रहती है ना उसका 62 वर्ष तक, 62 वर्ष के बाद उनको पद छोड़ना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष, 55 वर्ष, 60 वर्ष या 58 वर्ष? 20 का आंसर, वेरी गुड, जो विद्यार्थी ए ऑप्शन लगा रहे 65 वर्ष, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, यानी ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है? 56, 58, 60 वर्ष या इनमें से कोई नहीं? 21 नंबर का क्वेश्चन, तो मैंने बताया था अभी 65 वर्ष तक वो कार्यरत रह सकता है, तो 65 ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से केवल किन
प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है। कदाचार असमर्थता उपयुक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। जल्दी बनाए 22 नंबर का क्वेश्चन, वेरी गुड। जो विद्यार्थी सी ऑप्शन लगा रहे हैं उपयुक्त दोनों, वो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार और असमर्थता के प्रमाणित आधारों पर संसद किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है। संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों के बहुमत प्रस्ताव द्वारा संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल उपस्थित सदस्यों के बहुमत प्राप्त प्रस्ताव द्वारा संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत प्रस्ताव द्वारा। डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या आंसर होगा 23 का, जल्दी से। वेरी गुड। जो विद्यार्थी सी ऑप्शन लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत प्रस्ताव द्वारा। इसका कहने का मतलब है 23 का आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पद चुक्ति का आदेश कौन जारी करता है, मतलब पद से मुक्ति का आदेश जारी कौन करता है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या मंत्रिपरिषद। 24 नंबर का क्वेश्चन, वेरी गुड। आदेश जारी करते हैं राष्ट्रपति, हमारे राष्ट्रपति महोदय जो हैं यह आदेश जारी करते हैं कि आपके खिलाफ जो कार्रवाई की गई थी, तो आपके खिलाफ जो कार्रवाई की गई थी वो सही पाई गई है और अब आपको पद छोड़ना पड़ेगा, तो उसी डेट से जो है वे पद छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा। न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह, न्यायमूर्ति पी वी जीवन रेड्डी, न्यायमूर्ति वी रामास्वामी, न्यायमूर्ति एस पी भरूचा। जल्दी बनाए 25 का आंसर, वेरी गुड। जो विद्यार्थी सी ऑप्शन लगा रहे हैं न्यायमूर्ति वी रामास्वामी, बिल्कुल सही आंसर है। रामास्वामी के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव क्या हो गया था, असफल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है। 225,000, 250,000, 280,000 या 350,000। जल्दी बनाए 26 का आंसर, वेरी गुड। जो विद्यार्थी सी ऑप्शन लगा रहे वो बिल्कुल सही है। मुख्य न्यायाधीश को 280,000 मिलते हैं और अन्य न्यायाधीश को 2.5 लाख रुपये मिलते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है, 27 नंबर का क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है, 225,000, 250,000, 280,000 या 3,50,000। जल्दी बनाए क्या आंसर होगा, अभी हाल मैंने बताया था इसका आंसर, वेरी गुड। जो 2.5 लाख बता रहे हैं वो बिल्कुल सही, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तब उनके काम करेगा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष। जल्दी बनाए 28 का आंसर, वेरी गुड। जो विद्यार्थी सी ऑप्शन लगा रहे हैं मुख्य न्यायाधीश, वो बिल्कुल सही आंसर है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित होते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का पद संभालता है। ये बात आपको पहले भी बताई जा चुकी है राष्ट्रपति वाले चैप्टर में। और यहाँ अगर बात करें तो एक बार ऐसा हो चुका है कि मोहम्मद हिदायतुल्ला जो हैं पद संभालने के लिए गए थे, मुख्य न्यायाधीश रहे थे पद से, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। जस्टिस एम हिदायतुल्ला, जस्टिस मेहर चंद महाजन, जस्टिस पी एन भगवती, जस्टिस बी के मुखर्जी। जल्दी बनाए 29 नंबर का क्वेश्चन, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस चीज़ के बारे में चर्चा करी थी दोस्तों, तो आपको याद होगा जस्टिस एस एम हिदायतुल्ला, जस्टिस एम हिदायतुल्ला तुल्ला जो थे, इन्होंने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद रिक्त रहने पर क्या किया था, पद को संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों में, किसी भी न्यायालय में नहीं। जल्दी बनाए 30 का आंसर, वेरी गुड। इसका आंसर होगा डी, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, तो वो कहीं भी वकालत नहीं कर सकते हैं। अब मेरी बात सुनिए, सबसे बड़ा अधिकारी है
ठीक है, यानी सबसे बड़ी कोर्ट में जज है। अब जज का पद बड़ा होता है कि वकील का पद बड़ा होता है, ये बताइए। अब सर्वोच्च न्यायालय में जज हैं तो आपके सामने क्या रहेंगे, वकील आकर बैठेंगे, ना कि आप वकील के सामने बैठेंगे। ठीक है, बहुत सारे वकील होंगे, वो आपके सामने बहस करेंगे और अपना पक्ष रखेंगे। अब आप जज बन गए हैं, अब आप जज से वकील जाएंगे तो वो छोटा पद हो जाएगा ना, तो आप वहाँ नहीं जा सकते। ठीक है, और आप जैसे जज रहे हैं तो आप तो जो सामने वाले जो रहेंगे वो आपसे जूनियर रहेंगे, तो निश्चित रूप से जो है फिर उनको डिसीजन लेने में थोड़ी दिक्कत भी आती है, इसलिए आपको वकील नहीं बनाया जा सकता। यानी एक बार आप सेवानिवृत्त हो गए जज के पद से तो आप वकील नहीं बन सकते। ठीक है, हाँ, आपको तदर्थ जो है न्यायाधीश बनाया जा सकता है, वापिस कार्यभाग भी लेके आ सकते हैं। ठीक है, जिनकी छुट्टियाँ हो जाती है उनको वापिस लेकर भी आ सकते हैं एक नियम के अनुसार। तो बिल्कुल जो 30 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन, किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं करेंगे। अब मेरी बात सुनिए, छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। यदि मान लीजिए कोई ऐसी समिति है जिसमें राष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति हैं, तो उपराष्ट्रपति बढ़ाए कि राष्ट्रपति का पद बढ़ाए, तो राष्ट्रपति का पद बढ़ाए। अब एक समिति है जिसमें राष्ट्रपति भी शामिल है और उपराष्ट्रपति भी शामिल है, अगर मैं उपराष्ट्रपति को अध्यक्ष बना दूँ तो उपराष्ट्रपति अध्यक्ष है उस समिति का, तो राष्ट्रपति को किसके अंडर में काम करना पड़ेगा, ये बताएं, उपराष्ट्रपति के, जबकि उपराष्ट्रपति का पद छोटा है, अब बड़े व्यक्ति उनके अंडर में काम कर रहे हैं, तो ये गलत होगा ना। तो इसी प्रकार से क्या होगा, अपने एक लॉजिक से अपने इसको याद रख सकते हैं कि जिनके पास बड़ा पद है वो छोटे पद पे नहीं आएंगे। जब आप जज बन चुके हैं तो वकील नहीं बन सकते। ठीक है, आपको होप आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है दोस्तों, 31 नंबर का क्वेश्चन आपका है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति या संसद या मंत्रिपरिषद। 31 नंबर का क्वेश्चन, वेरी गुड, जो विद्यार्थी सी ऑप्शन लगा रहे हो बिल्कुल सही है, संसद को अधिकार है ये सारी चीज़ें। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, हिंदी व अंग्रेजी दोनों, 8वीं अनुसूची में शामिल कोई भी भाषा, जल्दी बनाए। 32 का आंसर बी, वेरी गुड, जो विद्यार्थी बी ऑप्शन लगा रहा है अंग्रेजी वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल, संसद, अधीनस्थ न्यायालय, निर्वाचन आयोग, जल्दी बनाए। 33 का आंसर, वेरी गुड, जो विद्यार्थी सी ऑप्शन लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही है, अधीनस्थ न्यायालय। जैसे सर्वोच्च न्यायालय के लिए अधीनस्थ कौन हो गया, हाई कोर्ट हो गया, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी उसके अधीनस्थ ही आएंगे, तो वो उनका निरीक्षण कर सकता है। आगे जब डिटेल आएगी उसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे हमने जो है सारी जानकारी जुटाई। अगर कोई विद्यार्थी ऐसा है जो पहली बार सर्वोच्च न्यायालय को पढ़ रहा है तो दोस्तों आपको बता दूं जानकारी के लिए कि जैसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस खत्म होंगे उसके मैंने लास्ट में आपको जो है डिटेल सेशन उपलब्ध करवाया है, तो आप वहां जाकर जो है अच्छे से पढ़कर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे तो गारंटी है हमारी कि आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, और लगभग सारे क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, तो एक बार वीडियो को अच्छे से कवर कर लें। भारत में न्यायपालिका है, स्वतंत्र, संसद के अधीन, राष्ट्रपति के अधीन या प्रधानमंत्री के अधीन, जल्दी बनाएं। भारत में न्यायपालिका है, वेरी गुड, जो विद्यार्थी ए ऑप्शन लगा रहे स्वतंत्र, वो बिल्कुल सही आंसर है। भारत में न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है विकेंद्रीकृत, एकीकृत या सामूहिक या व्यवहारिक, जल्दी बनाएं। 35 नंबर का क्वेश्चन, क्या आंसर होगा, सभी विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है, वेरी गुड। 35 का आंसर जो बी लगा रहे हैं ना वो बिल्कुल सही है, एकीकृत न्यायपालिका है भारत में। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संसद, भारत का उच्चतम न्यायालय, इनमें से कोई नहीं, जल्दी बनाए। कहने का मतलब राष्ट्रपति और या उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव से कोई विवाद हो जाता है तो वो कौन देखेगा, तो आर्टिकल 71 के अनुसार इस पूरे मामले को कौन देखता है, भारत का उच्चतम न्यायालय देखता है। 36 नंबर का क्वेश्चन, इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है, यह उसका है मौलिक अधिकार, पुनर्वाहिक अधिकार, परामर्शी अधिकार, बहुमुखी अधिकार, कौन से अधिकार में आता है। चुनाव का जो विवाद समझाने का जो सुलझाने का जो अधिकार है उसका मौलिक अधिकार में आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है, न्याय मंत्री, महान्यायवादी, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, जल्दी बताएं। 38 नंबर का क्वेश्चन,
वेरी गुड, क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय से, जो राष्ट्रपति 143 आर्टिकल के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है और सर्वोच्च न्यायालय उसको परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। अगर राष्ट्रपति ने परामर्श मांगा है किसी कानूनी विषय पर तो जरूरी नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय उनको परामर्श दे, और अगर सर्वोच्च न्यायालय ने उनको परामर्श दे भी दिया तो राष्ट्रपति इस चीज़ के लिए बाध्य नहीं है कि उस परामर्श को माने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है अनुच्छेद 124 में, अनुच्छेद 137 में, अनुच्छेद 143 में या अनुच्छेद 148 में? जल्दी बताएं, 39 नंबर का क्वेश्चन। वेरी गुड, जो विद्यार्थी सी ऑप्शन लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 143 में। नेक्स्ट क्वेश्चन से, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति या लोकसभा? 40 नंबर का क्वेश्चन। वेरी गुड, जो विद्यार्थी बी ऑप्शन लगा रहे हैं ना, उच्चतम न्यायालय, वो बिल्कुल सही आंसर है, बी ऑप्शन, उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण डिटेल आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जिससे प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। सभी विद्यार्थी पेन कॉपी लेके बैठे और नोट करना शुरू करें, और बहुत ही अच्छा जो है आगे डिटेल आने वाली है दोस्तों, और मज़ा आएगा बिल्कुल पढ़कर। यदि आपको PDF नहीं मिल रहा है तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप नंबर, जिन पर आप मुझे अपना नाम पता लिखकर व्हाट्सएप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही शानदार PDF उपलब्ध होने लग जाएंगे। तो हम चलते हैं, पहले जो पॉइंट है हमारा, समस्त न्यायालय को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहते हैं। कहने का मतलब है जितने भी न्यायालय हैं भारत के अंदर उनको क्या बोला जाता है? सामूहिक रूप से क्या बोला जाता है? न्यायपालिका कहते हैं। न्यायपालिका में शक्ति विभाजन नहीं होता, ठीक है? न्यायपालिका में शक्ति विभाजन नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा। भारतीय न्याय प्रणाली में छोटे छोटे न्यायालयों के ऊपर प्रत्येक जिले का जिला न्यायालय, उनके ऊपर राज्यों के उच्च न्यायालय और सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है। 1774 में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कोलकाता में हुई। कौन सा एक्ट था? रेगुलेटिंग एक्ट था, जो 1773 में आया था उसके तहत हुई थी। और ये जो न्यायालय बना था कोलकाता का, ठीक है, ये केवल कोलकाता के ही मुकदमे सुनता था। अगर बाहर के अगर मुकदमे इसको सुनना है तो दोनों पक्ष को राजी होना पड़ता था, तब जाकर ये कहीं बाहर का मुकदमा सुन पाते थे। अगर बात करें लॉर्ड इम्पे जो इसके प्रथम न्यायाधीश बने थे, आगे बात करते हैं दोस्तों, 1 अक्टूबर 1937 में दिल्ली में संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई, और 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत ये स्थापना हुई। इसके पहले अगर न्यायाधीश की बात करें, मॉरिस गवेरियर थे, और वास्तव में हमारा सर्वोच्च न्यायालय 1935 के अधिनियम के संघीय न्यायालय का ही प्रतिरूप है। 28 जनवरी 1950 वर्तमान सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, कहीं कहीं इसे 26 जनवरी भी दिया गया है। पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया, जो हमारी मुख्य सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, उसके पहले अगर बात करें तो मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया, ठीक है? हीरालाल जे कानिया कहीं कहीं मिलता है, जबकि इनका रियल नाम अगर देखें तो हरिलाल जे कानिया है, ये बात ध्यान रखिएगा। पर जो किताबें आ रही है उसमें हीरालाल जे कानिया ही दिया है, तो आपको दोनों ही नाम याद रखने हैं। सर्वोच्च न्यायालय की बात करें आगे, भारत की न्यायिक व्यवस्था इकहरी और एकीकृत है, जिसके सर्वोच्च शिखर पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में, ठीक है? अभी कुछ समय पहले हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन जो लगाया था उसमें ये क्वेश्चन आया था कि भारत की न्यायिक व्यवस्था है, तो उसका आंसर था एकीकृत। तो इकहरी और एकीकृत दोनों ही सही हैं, और शिखर पर क्या है? सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय की बात करें, सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता, शक्तियों के नियमन से संबंधित विधि निर्माण की शक्ति भारतीय संसद को प्राप्त है। मतलब कहने का मतलब है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करना, गठन, अधिकारिता, शक्तियों के विनियमन से संबंधित जो भी अधिकार हैं वे सब संसद को प्राप्त हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन पर, भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में दिया गया है। अब हम देखते हैं 124 में क्या क्या है, ठीक है? उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश 1+7 यानी टोटल अगर बात करें 1+7 क्या आएगा? 1+7 यहाँ पर क्या रहेगा? 1+
सेवन की जो पोजीशन रहेगी वो रहेगा 1+7। संसद को अधिकार है कि वह न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकती है, ठीक है, न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकती है। और वर्तमान में अगर संख्या देखें तो 1+33 जनसंख्या, मतलब न्यायाधीशों की संख्या है 1+33, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन, सॉरी, बार बार क्वेश्चंस पढ़ाते पढ़ाते ऐसा माइंड में आ जाता है कि साला क्वेश्चंस ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आगे देखेंगे हम, साधारण कानून बनाकर ही न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित करके संख्या बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। इसका कहने का मतलब यह है कि जब उच्च सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी तब मुख्य न्यायाधीश सहित इसमें कितने थे, 8 न्यायाधीश थे, और अगर वर्तमान में देखें तो यह संख्या कितनी हो गई, 1+33, यानी 1 मुख्य न्यायाधीश है और 33 क्या है, अन्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपके स्क्रीन पर, सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या, ठीक है। संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में, इससे पहले 31 आपको किताबें बताएगी पर अभी 2019 में चेंज करके इसको कितना कर दिया गया, 1 मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश कर दिए गए हैं। नोट, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था संविधान में मूलतः की गई थी, जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तब 8 व्यवस्था की गई थी 1 मुख्य न्यायाधीश सहित, यानी 1+7। आगे बात करें, बाद में काम बढ़ते दबाव को देखते हुए 1956 में सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 11 कर दी गई। अब देखो कैसे कैसे वो जिनसे संख्या बढ़ाई गई न्यायाधीशों की वो देखते हैं। तो सबसे पहले 56 में इसकी संख्या बढ़ाई गई, 8 से कितनी कर दी गई, 11। अब अगर बात करें तदुपरांत 1960 में यह संख्या पुनः बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 14, और 1978 में यह संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 18। मतलब 1978 में अगर देखें न्यायाधीशों की संख्या थी 18, अब जैसे जैसे काम का लोड बढ़ता गया 1986 में 26 कर दी गई, और 2009 में 31 की गई थी, 2009 से चला ही हुआ आ रहा था 31, उसके बाद में 10 साल बाद 2019 में 24 की गई जो वर्तमान में भी हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 31 की जगह 24 हो चुका है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति 124(2) के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श करने के बाद अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नियुक्ति करने में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जिनको हम CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह लेना आवश्यक है। मतलब आप जब राष्ट्रपति को ये बताया गया है कि यदि आप न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रहे हैं ना, तो मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेना अति आवश्यक है। 1950 से 1993 तक राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर न्यायाधीशों की नियुक्ति होती थी। मतलब 50 से लेकर 93 तक क्या होता था, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर नियुक्ति होती थी, परंतु उसके बाद देखिए 1993 के बाद कॉलेजियम सिस्टम, जिसमें 1+4 न्यायाधीश, कितने, 1+4 न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीशों के अलावा 4 अन्य न्यायाधीश होते थे, अर्थात न्यायाधीश अपने कोर्ट के लिए न्यायाधीश चुनते हैं। भारत एकमात्र ऐसा देश है पूरे विश्व में जिसमें यह सिस्टम है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय वह इसी न्यायालय के अन्य न्यायाधीश से परामर्श कर सकता है, परंतु अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति सदैव राष्ट्रपति तथा मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है। वह चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्य के उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों से भी परामर्श कर सकता है। अनुच्छेद 124(2) के अनुसार CJI की नियुक्ति का उल्लेख संविधान में नहीं है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति का उल्लेख संविधान में नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, राष्ट्रपति के द्वारा, जब परंपरा की बात करें, राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। वरिष्ठ का मतलब ये होता है कि जो सबसे ज़्यादा जानकार हो। परंपरा का उल्लंघन, इंदिरा गांधी के द्वारा उल्लंघन किया गया 2 बार। ये जो परंपरा थी कि भाई राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा, इस परंपरा का उल्लंघन पहली बार जब हुआ वो इंदिरा गांधी के काल में, इंदिरा गांधी के द्वारा उल्लंघन किया गया 2 बार। अजीत नाथ ने 1993, ठीक है, यह जूनियर थे, इनसे सीनियर 3 अन्य न्यायाधीश थे, परंतु उनको मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया गया।
तो उन्होंने नाराज होकर इस्तीफा दे दिया कि हम जूनियर के अंडर में काम नहीं करेंगे। हमीदुल्ला बेग की बात करें तो यहाँ भी ऐसे ही हुआ। 1977 में ये हुआ, यह जूनियर थे और इनको बना दिया गया मुख्य न्यायाधीश। कमल नारायण सिंह सबसे कम समय तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे मात्र 17 दिन, जबकि यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ सबसे अधिक समय तक CJI रहे, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, लगभग 7 वर्षों तक। 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक 2696 दिन मान के चलिए, इतने दिन हो गए थे इनको 7 वर्ष तक रहे। सुप्रीम कोर्ट के CJI के सुब्बा राव और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश VR कृष्णन अय्यर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ चुके हैं। CJI सुब्बा राव और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश VR कृष्णन अय्यर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ चुके हैं। KS हेगड़े SC के जज बनने से पहले राज्यसभा के सदस्य थे, जबकि बाद में लोकसभा के सदस्य बने, अर्थात रिटायर होने के बाद। P सदाशिवम ऐसे एकमात्र CJI थे जो रिटायरमेंट के बाद राज्यपाल रहे। योग्यताएं की अगर बात करें तो अनुच्छेद 124 में इनकी योग्यता बताई गई है कि भारत का नागरिक हो, वह किसी उच्च न्यायालय अथवा दो या दो से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके हो। सबसे ज़्यादा न्यायाधीश इसी प्रक्रिया से बने हैं, यह ध्यान रख लेना, ठीक है। मतलब 3 प्रोसेस है, या 5 साल या 5 साल से अधिक वो किसी न्यायालय में, हाई कोर्ट में उसने जज का काम किया हो तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो न्यायाधीश आए हैं अभी तक तो वो इसी प्रक्रिया से बने हैं सुप्रीम कोर्ट में, या किसी उच्च न्यायालय या न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। अब ये अधिवक्ता वाला जो पॉइंट है ना कि इस योग्यता के अनुसार कितने गए हैं, तो टोटल 8 न्यायाधीश इस प्रक्रिया से बने हैं, जिसमें इंदु मल्होत्रा, जिनका नाम अभी विख्यात में रहा है, पेपरों में रहा है, वो इंदु मल्होत्रा जो हैं इन्होंने 10 सालों तक वकालत करी थी, उसके बाद में जो है इनको हाई कोर्ट में जज बनाया गया है। और जानकारी के लिए बता दें, अभी तक कोई भी महिला जो है मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, जज जरूर बनी है। अभी टोटल 8 महिलाएं हैं अभी तक के रिकॉर्ड में जो हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है हाई कोर्ट से, या राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। तीसरा जो पोजिशन होता है कि राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो, तब भी वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता है। पर आज तक इस प्रक्रिया से किसी भी न्यायाधीश को नहीं चुना गया है। मैंने बताया था पहला जो पॉइंट है आपका, उसमें बोला गया है कि वह किसी उच्च न्यायालय अथवा दो या दो से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके हैं, तो उन्हें क्या बनाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। सबसे ज़्यादा न्यायाधीश इसी प्रक्रिया से हैं। और अगर बात करें 10 साल के वकील वाला जो पॉइंट है, यानी वो जो योग्यता है, उसके द्वारा अगर देखें तो अभी तक 8 न्यायाधीश ही चुने गए हैं, और राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो, उससे अभी तक एक भी नहीं चुना गया है। सर्वमित्रा सिकरी वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट के जज बनने वाले पहले व्यक्ति थे, ये ध्यान रखना। सर्वमित्रा सिकरी जो वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट के जज बनने वाले पहले व्यक्ति थे, और टोटल कितने व्यक्ति थे, 8। आगे बात करें, अभी हाल ही में इंदु मल्होत्रा 2018 में वकील से डायरेक्ट जज बनी हैं। इनको 10 साल का एक्सपीरियंस था हाई कोर्ट में, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर जज का पद लिया है। अभी तक केवल 8 महिलाएं ही सुप्रीम कोर्ट की जज बन पाई है। मीरा साहेब फातिमा बीबी अगर बात करें तो ये क्या थी, प्रथम महिला थी जो 1989 में जज बनी थी सुप्रीम कोर्ट की। अगर बात करें 2-3 नाम और मैं आपको बता रहा हूँ जिनका विख्यात है, इंदु मल्होत्रा वकील से जज बनी पहली महिला, इंदिरा बनर्जी, और भानुमति। अगर बात करें तो भानुमति इसलिए विख्यात है क्योंकि प्रथम SC महिला थी जो जज के पद पर बनी थी। तो एक गर्व की बात होती है कि गरीब परिवार से होने के बावजूद भी वहाँ तक पहुँचना, ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि होती है। पर अभी तक बात करें तो तीनों महिलाएं आज भी जज के पद पर कार्यरत हैं, और 2019 के जानकारी के अनुसार इसे बताया जा रहा है कि ये जो लास्ट की 3 महिलाएं हैं, इंदु मल्होत्रा,
इंदिरा बनर्जी और भानुमती जो SC महिला हैं पहली, वो अभी भी जो हैं कार्यरत हैं। आज तक कोई महिला सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश नहीं बन पाई है, ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है। ठीक है, शपथ और अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद के तहत इनको शपथ दिलाई जाती है? तो अनुच्छेद 124 के 6 क्लॉज में ये बताया गया है कि इनकी शपथ कौन दिलाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं तथा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, अगर बात करें तो व्यवहार में क्या होता है कि राष्ट्रपति जो हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं और उनको शपथ दिलाते हैं, और फिर जो है मुख्य न्यायाधीश ही अन्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं। आगे बात करें, सभी न्यायाधीश संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। जितने भी न्यायाधीश होते हैं वो संविधान में निष्ठा रखने की शपथ उनको लेना होती है। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, परंतु राज्य के हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ संबंधी राज्य का राज्यपाल दिलाता है, संबंधित राज्य का राज्यपाल दिलाता है। जो शपथ की अगर बात करें तो कौन करेगा? राज्यपाल दिलाएंगे। और अगर बात करें तो राष्ट्रपति उन जो है हाईकोर्ट के जज की नियुक्ति करेगा। नेक्स्ट है आपका कार्यकाल के बारे में देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की गई है। एक बार नियुक्त होने के बाद इनके अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा 65 वर्ष है। यानी एक बार अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया है तो उसको पद से हटाना इतना आसान नहीं है। केवल दो ही आधार है जिससे हटा सकते हैं, एक तो कदाचार और एक अक्षमता। मतलब कहने का मतलब है किसी भी प्रकार से जो है अयोग्य हो जाता है तो उसे हटना ही पड़ता है। ठीक है, 65 वर्ष की आयु के बाद ही पद छोड़ेंगे। और त्यागपत्र की बात करें, राष्ट्रपति को सौंपते हैं त्यागपत्र जो होता है, ये अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को सौंपते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ही इनकी नियुक्ति करता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हुए या टोटल जो है जज हुए, वो अपना त्यागपत्र किसको सौंपेंगे? राष्ट्रपति को सौंपेंगे। जबकि हाईकोर्ट के जज भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देते हैं, तो शपथ राज्यपाल दिलाएगा। जब राज्यपाल शपथ दिलाते हैं तो राज्यपाल को वो त्यागपत्र नहीं देते हैं, पर नियुक्ति तो वहीं के द्वारा की जाती है ना, राष्ट्रपति के द्वारा। इसलिए वो त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। अगर बात करें न्यायाधीश का वेतन और भत्ते, अगर वेतन और भत्ते की बात करें तो अनुच्छेद 125 में यह सब बताया गया है कि कितना वेतन और कितना भत्ता दिया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपये प्रतिमाह व अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 रुपये प्रतिमाह मिलते हैं। अगर बात करें हम उच्च न्यायालय की, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,50,000 जो यहाँ पर अन्य न्यायाधीश को मिलता है सुप्रीम कोर्ट में, वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को मिलता है। यानी यहाँ पर अन्य न्यायाधीश को 2,50,000 मिलता है तो वहाँ के मुख्य न्यायाधीश को भी 2,50,000 मिलता है। अगर बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, अगर सैलरी के मामले में देखें तो वो हाईकोर्ट, किसी भी राज्य की हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर दर्जा रखते हैं। अगर बात करें तो अन्य न्यायाधीश जो हाईकोर्ट के होते हैं उनको जो सैलरी दी जाती है 2,25,000 रुपये दी जाती है, जो राज्य की संचित निधि से दी जाती है। प्रत्येक राज्य की अपनी संचित निधि होती है। अगर एक बात में यहाँ पर अंतर है कि अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन की अगर बात आती है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन अगर देनी है तो वो भारत की संचित निधि से दी जाती है। अब ये क्यों होता है कि देखो राज्य में काम कर रहा है कोई, कौन? न्यायाधीश, तो उसको पेंशन भी कौन देगा? पेंशन आपका भारत सरकार की तरफ से दी जा रही है। ऐसा क्यों भाई? राज्य सरकार उसको पेंशन क्यों नहीं दे रही है? तो देखते हैं हम यहाँ पर डिटेल में, क्योंकि ये अलग अलग राज्यों में काम किए होते हैं जो न्यायाधीश होते हैं। कभी मान लो मध्य प्रदेश में किया है, फिर राजस्थान में चले गए, फिर जब दूसरी जगह चले गए, तीसरी जगह चले गए, तो ऐसा क्या होता है? ये अपने राज्य बदलते रहते हैं, इनके ट्रांसफ़र होते रहते हैं, और आखिरी में जहाँ से रिटायर होंगे तो वहीं से इनको जो है पेंशन मिलनी चाहिए। अब वो राज्य क्या कहेगा? वो राज्य ये करेगा कि मेरे यहाँ तो 2 साल काम किया, मेरे यहाँ से 2 साल ही जज रहे, या मेरे यहाँ पर 1 महीने जज रहे, और इनको मैं पेंशन क्यों दूँ? ठीक है, तो यदि वो उम्र भर जब से पहली बार से लगे हैं तब से वो वहीं रहे तो राज्य सरकार उनको पेंशन देगी। पर अगर वो पूरे भारत में इधर उधर दूसरे राज्यों में चलते रह रहे हैं तो उनको पेंशन क्यों देगी जो है राज्य सरकार? तो इस विवाद की वजह से ही क्या होता है कि इसको केंद्र सरकार से इसको पेंशन दी जाती है, यानी केंद्र की संचित निधि से इनको पेंशन निकाल कर दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इनका वेतन जो होता है, जो हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं इनका वेतन तो वहाँ से दिया जाता है राज्य की संचित निधि से, पर जब पेंशन वाली बात आती है तो इनकी पेंशन कहाँ से निकाली जाती है?
केंद्र सरकार की संचित निधि से इनकी पेंशन निकाली जाती है। इनका वेतन भारत की संचित निधि पर भारित किए गए हैं। भारित व्यय का अर्थ है संसद इनके वेतन पर बहस कर सकती है परंतु मतदान नहीं कर सकती। क्या कर सकती है? इनके वेतन पर बहस कर सकती है परंतु मतदान नहीं कर सकती। और एक और बात यहाँ होती है कि पद पर रहते हुए इनके वेतन में किसी भी प्रकार का कटौती नहीं किया जा सकता। और अगर बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। यह संचित निधि संविधान के आर्टिकल 266 में है। इसके अलावा इन्हें निःशुल्क आवास और अन्य सुविधाएं जैसे चिकित्सा, कार, टेलीफोन आदि भी मिलती हैं। न्यायाधीशों का वेतन एवं उसे मिलने वाली अन्य सुविधाएं उसके कार्यकाल में कम नहीं की जा सकती, बताया था मैंने। अगर बात करें सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की पेंशन, उनके अंतिम माह के वेतन का 50% निर्धारित होता है। अगर मान लीजिए किसी को जो है अंतिम माह में 3 लाख रुपये मिल रहे हैं तो उसका 50% यानी पेंशन कितनी मिलेगी? 1.5 लाख रुपये। अनुच्छेद 124(4) एंड 124(5) यानी 124 के क्लोज 4 और 124 के क्लोज 5 में न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल एक व्यक्ति के लिए ही किया जा सकता है, वह है भारत का राष्ट्रपति। अन्य के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगर बात करें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पद विमुक्ति के लिए संसद के दोनों सदन एक प्रस्ताव पारित करते हैं जिसे प्रार्थना कहते हैं। साबित कदाचार और अक्षमता यानी शारीरिक या मानसिक रूप से अगर कोई दिक्कत है के आरोपों में इन्हें हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है। इसके अलावा कोई ठोस आधार नहीं है। न्यायाधीश जांच अधिनियम संसद में इस पर 1968 में काम किया गया। उसमें बताया गया कि न्यायाधीशों पर महाभियोग लगेगा परंतु महाभियोग शब्द संविधान में इनके लिए नहीं है, ठीक है। 1968 में जो हटाने की जो प्रक्रिया है इस पर थोड़ा सा गहन मंथन किया गया और कहा गया कि न्यायाधीशों पर क्या लगेगा? महाभियोग लगेगा परंतु महाभियोग शब्द संविधान में इनके लिए नहीं है। इनका कहने का मतलब है हटाने की जो प्रक्रिया है वो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है सेम उसी प्रकार से उसको फॉलो करेंगे, पर यहाँ पर इनके लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। हटाने के प्रस्ताव की अगर बात करें तो मैंने कहा है महाभियोग प्रक्रिया लाई है, तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए भी क्या कर सकते हैं? हम प्रस्ताव किसी भी सदन में ला सकते हैं। उसी प्रकार से इनको हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है, परंतु प्रस्ताव का अगर लोकसभा में लाया जाने पर कम से कम 100 सदस्य सहमत होने चाहिए कि इनको हटाया जाए। और अगर ये राज्यसभा में आ रहा है तो राज्यसभा में लाए जाने पर कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कम होती है। ये बात ध्यान रखिए, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या होती है 245 प्रभावी है, अधिकतम संख्या 250 होती है, जबकि लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? अधिकतम संख्या 252 होती है और प्रभावी संख्या कितनी है? अधिकतम संख्या 552 होती है और प्रभावी संख्या कितनी है? 545। तो वहाँ संख्या ज़्यादा होने से उनका जस्ट डबल रखा गया है, यानी 100 सदस्य चाहिए हटाने के लिए। जो 100 सदस्य अगर कहेंगे तभी वो हटेंगे, जब भी उन पर कार्रवाई शुरू की जाएगी। अगर राज्यसभा में लाया जाता है तो कम से कम 50 सदस्य इससे सहमत होने चाहिए, तब जाकर कार्रवाई शुरू की जाएगी। संबंधित सदन के अध्यक्षों द्वारा आरोपों की जांच करवाई जाती है। प्रक्रिया महाभियोग की तरह ही होती है परंतु महाभियोग शब्द का प्रयोग यहाँ नहीं किया जाता है। एक 3 सदस्यों वाली समिति बनती है, ठीक है। कितने सदस्य? 3 सदस्यीय समिति बनती है इनको हटाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए समिति में सुप्रीम कोर्ट के जज कौन कौन रहेंगे? एक तो सुप्रीम कोर्ट के जज रहेंगे, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहेगा, किसी भी राज्य का हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, और एक विधि का ज्ञाता होगा जो जानकारी रखता हो। दीपक मिश्रा के समय अगर बात करें, एक दीपक मिश्रा जो जज रहे थे के समय राज्यसभा में प्रस्ताव लाया गया, 67 सांसदों ने क्या कर दिया था? इस पर साइन भी कर दिए थे, परंतु वेंकैया नायडू ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसा कोई आधार नहीं है जिससे इनको पद से हटाया जाए। समिति तक बनने के लिए उन्होंने मना कर दिया था कि दीपक मिश्रा को जो पद से हटाया जा रहा है वो उसके लिए कोई ठोस कारण नहीं है, इसलिए किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। और अभी तक जो है इस प्रक्रिया से किसी भी न्यायाधीश को नहीं हटाया गया है, ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जब न्यायिक
पद में ही गड़बड़ी होगी तो फिर क्या अन्य देश क्या सोचेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अगर समिति को लगता है कि उचित आधार है तो बहुत जांच करती है। जब समिति बन जाती है, मान लो बाय द वे कभी ऐसा हो जाता है और समिति बन जाती है, जब समिति को ऐसा लगता है कि उचित आधार है तो बहुत जांच करती है, फिर संसद में चर्चा होती है। चर्चा होने से कम 14 दिन पहले संबंधित न्यायाधीश को सूचित किया जाता है कि भाई आपके खिलाफ जो है हम आपको हटाने का प्रस्ताव लेके आ रहे हैं, महाभियोग की तरफ प्रक्रिया स्टार्ट कर रहे हैं, तो बताइए आपके खिलाफ कोई प्रक्रिया या कोई एक्शन हमारे द्वारा क्यों ना लिया जाए। ठीक है, तो 14 दिन के अंदर वो या तो स्वयं आकर जवाब देते हैं या अपने किसी प्रतिनिधि को भेजकर जवाब पहुंचाते हैं, और अगर वो उनके जवाब से अगर लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य संतुष्ट नहीं होते तो फिर प्रक्रिया स्टार्ट की जाती है। दोनों सदन से यदि 2/3 बहुमत से पास हो गया तब राष्ट्रपति के साइन करने के बाद न्यायाधीश को क्या होता है, हटना पड़ता है, यानी अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। आज तक किसी भी न्यायाधीश को इस प्रक्रिया से नहीं हटाया गया है। अगर बात करें वी रामास्वामी, सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र न्यायाधीश हैं जिन्हें हटाने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया, मगर प्रस्ताव क्या हुआ, पारित नहीं हुआ। मैंने बताया आज तक किसी भी न्यायाधीश को नहीं हटाया गया, यानी प्रस्ताव जरूर लाए गए होंगे पर वो क्या हुए होंगे, मान्य नहीं हुए। 45 नंबर के CGI दीपक मिश्रा की अगर बात करें तो ये सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र CGI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जिन्हें हटाने के लिए प्रस्ताव राज्यसभा में लाया गया और सभापति वेंकैया नायडू ने उसे खारिज कर दिया था। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति PN भगवती थे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद भारत में किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते हैं और कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं कर सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करें तो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठकें बुला सकता है। तो इसके लिए क्या होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है, दिल्ली में है, पर इसकी बैठक भारत के किसी भी कोने में ली जा सकती है, पर इसके लिए आपको राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति चाहिए। अब तक हैदराबाद श्रीनगर में इस प्रकार की बैठकें आयोजित की जा चुकी है। अभी आपका जो है सुप्रीम कोर्ट से संबंधित पार्ट 1 पूरा हो चुका है, पार्ट 2 भी आने वाला है, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी इसमें उपलब्ध करवाई गई है। सभी विद्यार्थी जो है बने रहें वीडियो के साथ में और जानकारी को अपडेट करते रहें और अपने नोट्स कंप्लीट करते रहें, क्योंकि हमने जिम्मा लिया है आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने का और उसे हम पूरा ही कर रहेंगे। जो हमारे रिजल्ट आ रहे हैं वो काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि अनुभव यहाँ पर बहुत सालों का है और अनुभवी व्यक्ति ही आपको सफलता की ओर लेकर जाएंगे। तो निश्चित रूप से आने वाली भर्तियों में YouTube चैनल से अच्छे से तैयारी करें और भरोसा रखें कि आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। आत्मविश्वास के साथ, लगन के साथ तैयारी करते रहें, सफलता निश्चित आपके कदम चूमेगी। दोस्तों यदि चैनल पर नए हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि न्यू टारगेट एकेडमी पर संविधान के सारे वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं और व्यवस्थित रूप से आपको पढ़ना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, चलते हैं अगले वीडियो के लिए, तो मिलेंगे फिर से आपसे अगले वीडियो में। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को शेयर करना ना भूलें दोस्तों, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए।